भारत का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश का जिला पन्ना हीरो की खदानों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कहते हैं हीरो का जब निर्माण हो रहा होता है तो उसे कोयले के बीच अत्यधिक दबाव का सामना करना पड़ता है और जितना अधिक दबाव होता है उतने ही अच्छे हीरे का निर्माण होता है। पन्ना ने ऐसा ही एक हीरा मध्य प्रदेश को या ये कहे कि भारत को दिया है जिसका नाम है ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। पन्ना के इटौरी गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे तीन भाइयों में सबसे मझले यानी बीच वाले बेटे ब्रजेंद्र जी को बड़ा व्यवसायी व्यापारी बनना था, पर उन्हें क्या पता था कि विधाता उनके लिए राजनीति का मैदान तैयार कर रहे हैं। परिवार में पिता का जीवन 80 के दशक से ही संघ में रहने से जनसेवा में निकला और पार्टी के जिला अध्यक्ष जैसे कई अहम पदों पर रहकर क्षेत्र की सेवा की। निरंतर पन्ना की समय सेवा कर रहे हैं और विकास की तरफ पन्ना को ले जा रहे हैं और पूरा समय वो अपनी राजनीति में देते हैं। उनने तो राजनीति में आके राजनीति की राजनेताओं की परिभाषा ही बदल डाली है, क्योंकि राजनेताओं में ये देखा जाता था कि इतनी सरलता से उपलब्ध नहीं हो पाते थे, पर वो मंत्री होने के बाद भी हर के घर हर के दुख में शामिल होते हैं। उनका दिनचर्या सुबह 6:30 बजे से चालू होता है, रात के 11-12 बजते हैं, सभी का फ़ोन अटेंड करते हैं, फ़ोन को यदि नहीं कर पाते हैं तो उनको रिप्लाई करते हैं। तो उनने मंत्री पद की भी परिभाषा बदल दी कि नहीं, इतने पद होने के बाद भी आदमी आसानी से पब्लिक के लिए उपलब्ध रहता है। ब्रजेंद्र जी बचपन से ही शिक्षा को लेकर बेहद गंभीर रहे। उन्होंने इंदौर के पब्लिक स्कूल डली कॉलेज से स्कूली शिक्षा ली, जहां सन 1985-86 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ छात्र पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। फिर बीकॉम करने के लिए उन्होंने भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी को चुना। समाज में वह अपने आसपास होने वाली घटनाओं ने बाल अवस्था में ही ब्रजेंद्र जी को एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में निर्मित किया था। जो हमारे पति थे अकेले थे, उनके ये तीन बेटे थे, बड़े वाले तो मिलिट्री में सेवा कराते फौज में और जे हैं सो जनता की सेवा में, बीच वाले छोटे हैं तो अपने धंधा परिवार देख रहे, सब साथ ही है सब तीनों बच्चे। न्याय सम्मान व निरंतर जन सेवा के भाव के चलते उन्होंने वकालत में LLB की डिग्री लेने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने रीवा की अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय को चुना। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी ब्रजेंद्र प्रताप जी व्यवसाय में संभावनाएं तलाशते रहे, साथ ही व्यापार की ओर भी ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान ट्रैक्टर की एजेंसी शुरू की और व्यापारिक रूप से करियर शुरू करने में पहला कदम बढ़ाया, परंतु उनके पिताजी को अचानक आए हार्ट अटैक ने ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी के करियर की दिशा और दशा दोनों को बदल कर रख दिया। फिर आया सन 2003। मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में एक नाम जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया वह था ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, क्योंकि वो पहले ऐसे विधायक बने जिन्होंने पवई विधानसभा क्षेत्र में BJP उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की। ये वो क्षेत्र था जहां से भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जीत का परचम लहराया था। पवई की जनता के आशीर्वाद से विधायक बनने के बाद ब्रजेंद्र जी ने आम जनमानस के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझा और जनता के दुख दर्द में और भी संवेदनशीलता से शामिल होने लगे। उन्होंने लोगों और क्षेत्र की समस्याओं को बहुत ही बारीकी से समझा और फिर श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने विकास की ऐसी गंगा बहाई कि लोग कहने लगे, विकास पुरुष हो तो ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जैसा। जन समस्याओं को प्राथमिकता देकर उनका समाधान करने की कोशिशों का ही नतीजा है कि जनता ने अपने इस लाडले बेटे को 2 बार पवई से और 3री बार पन्ना से विधायक बनाया। जब सन 2009 में ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को पहली बार कृषि राज्य मंत्री के रूप में पर्यटन और खेल का कार्यभार सौंपा गया, तब उन्होंने अपनी कार्य कौशलता से यह प्रमाणित किया
कि न केवल पर्यटन में बल्कि कृषि के क्षेत्र में भी कई नए कीर्तिमान स्थापित किए। हालात चाहे कैसे भी रहे, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने जनसेवा का काम कभी नहीं छोड़ा। फिर चाहे लॉकडाउन का संक्रमण काल रहा हो या फिर तीर्थ स्थलों पर हुए हादसों में श्रद्धालुओं को मदद पहुंचाना हो। एक कामयाब नेता, एक लोकप्रिय विधायक और फिर एक सफल मंत्री के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले ब्रजेंद्र प्रताप सिंह का जीवन आज भी सादगी से भरा हुआ है। फिर चाहे युवाओं और हम उम्रों के संग व्यायाम करना हो, मोटरसाइकिल की सैर करना हो या फिर बैडमिंटन खेलना हो, वो आज भी बुजुर्गों की टोली में बैठकर घंटों उनसे बातचीत करते देखे जाते हैं। यही वजह है कि पन्ना जिला की जनता आज ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को विकास पुरुष का दर्जा देती है और ब्रजेंद्र प्रताप सिंह भी अपने विधानसभा क्षेत्र में एक सामान्य पार्टी कार्यकर्ता की तरह जनता से मिलते हैं। न गाड़ी पर सायरन की आवाज, न ही मंत्री या राजनेताओं वाले ठाट बाट। जहां जनता का प्यार मिला, अपनापन महसूस हुआ, वहीं बैठकर लोगों से हालचाल पूछने बताने लगे। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने जनविश्वास की कसौटी पर खरा उतरते हुए पन्ना जिले को विकास कार्यों की ऐसी सौगात दी कि पन्ना जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पानी, बिजली, सड़क की समस्याओं से जनता को हमेशा हमेशा के लिए निजात मिलने जा रही है।